गुरु तो वारने ते बलहारने होने दिल करता है। जो गुरु सानू असलियत दसदा है, नहीं तो कई ऐसे लोग ने जिहड़े चक्करां च पा दिंदे ने, मोड़ मोड़ के दुनिया च लिया दिंदे, फिर दसते ने तो दुनिया की गल ही दसते ने। ऐसे भी नहीं जिहड़े पूरे नहीं होते, जिन्हां नूं पता नहीं होता साडा गुरु पूरा है, जिहड़ा सानू दसदा है कि साडे मन का निस्तारा किदां होणा, साडे मन ने किस तरह पहुंचना है परमेश्वर तक, जिहड़ा सानू दसदा है। इस शब्द विच कबीर जी फरमाउंदे ने कि उस जगह पहुंचो जिथे कुछ नहीं है, मन विचो सारा कुछ कढ दो, मन विच दुनिया विच दुनियावी तौर ते रहना है, दुनिया विच दुनियावी तौर ते रहना है, शरीरक तौर ते रहना है, मन करके नहीं रहना। महाराज आखदे ने आप जी देखो जदों इस संगत च बैठांगे, जदों ऐसी गल होएगी साडी आत्मा फटाफट उस पीस विच चले जाएगी, उस शांति विच चले जाएगी साडी आत्मा, साडा मन जिहड़ा वो जोत जिहड़ी उहनूं महसूस करना शुरू कर देगा। आप जी देखो असी देखदे हां इन्हां अखां दे नाल, इन्हां अखां दे पिछे जो देख रहे हां उहनूं देखणा, जो परसीव कर रहे हैं। अखां एक निर्जीव वस्तु है, अखां बॉडी का पार्ट है, असी उन्हों देखे जिहड़ा इहदे पिछों देख रहे हैं। ध्यान अंदर नूं लैके जाओ, लैके जाओ ध्यान अंदर। कदी इस तरह होया, ऐसी कदी एक्सरसाइज की आपां देखदे होया, ये देखिए कि साडे अंदरों कौन देख रहा है, जिहड़ा अंदर बैठा देख रहा है असी उहदा ध्यान करिए। परसीवर ऑलसो कैन बी परसीव, साढ़े द्वारा ही होना, लेकिन अजे परसीवर का पता नहीं लग रहा कि परसीवर कौन। जदों तक अपनी आत्मा तक नहीं पहुंचेंगे परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, जिनी देर असी अपनी आत्मा नूं नहीं देखिया उन्नी देर परमात्मा नूं नहीं देख सकते। परमात्मा जोत स्वरूप है, परमेश्वर का रूप है, जे असी अपनी आत्मा नूं देख नहीं सकते, इन्नी सूखम बिरती साडी अंदर गई नहीं तो असी आत्मा नहीं देखिया तो फिर परमात्मा नहीं देख सकते। परमात्मा तो बहुत सूख है जिथे कुछ भी नहीं। आत्मा देखने लिए भी सानू संकल्प करना पेगा कि असं आत्मा देखना, संकल्प के राही अंदर जाना पेगा। वह संकल्प परमात्मा तक जाद्या जाद संकल्प भी नहीं रहता। आप जी मेरी बेनती समझते हो, बहुत ही सूझे हुए आप जी संगत रूप च, क्योंकि गुरमुख प्यारे ऐसे बैठे होंगे ने जिहड़े ऑलरेडी उस अवस्था में जींदे ने, बाहरी तौर पर दुनिया में अपना कार विहार करते हैं लेकिन अंदरों सदा वो जुड़े रहते हैं, बाहरी तौर पर करते हैं। जिहदा मन दुनिया के नाल अटैच हो जाता है उहदा निकलना मुश्किल हो जाता है। गुरु कृपा कर दे ते फिर निकल सकता है, गुरु बख्शिश कर दे ते फिर निकल सकता है। मन कुछ ना कुछ साडे को चेंज चाहता है, मन चेंज मांगता, कुछ ना कुछ चेंजस चाहिए ने दुनिया में। मन एक जगह ठहरता नहीं, गुरुद्वारे भी आ जाए तो मन कुछ ना कुछ सोचता है, गुरुद्वारे भी आ जाए तो मन कुछ ना कुछ सोचता है। गुरुद्वारे क्यों आने, गुरु के कोल क्यों आने, गुरु के कोल नजदीक होके क्यों बैठते हैं कि सतगुर सच्चे पातशाह अपनी सुमत बख्शो, सानू वो मत बख्शो जो आप जी फरमाते हो, सानू वो बुद्धि बख्शो। साड़ी जिहड़ी है अल्प मत है, साड़ी मत वो नहीं, सानू तुसी मत दिओ कि किस तरह शांति मिलेगी, किस तरह वो सुख मिलेगा, किस तरह वो आनंद मिलेगा, और किस तरह वो अवस्था बनेगी जिथे जाके असी आनंद नूं वी वेख सकांगे। एक तो हुंदा आनंद आ रहा है, आनंद विच असी समाद विच गए, एक है आनंद नूं वेख सकते हैं कि साडा मन आनंद च जा रहा है, आनंद नूं वी देख सकते।